हेलो फ्रेंड्स आवा यू आई होप कि आप आपसे ठीक रहेंगे दोस्तों आज मैं आपसे को तो बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोज डिजाइन करना सीखाऊँगा प्रोडक्ट के लिए जैसे कि मैंने डिजाइन किया हुआ है ऐसा कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट तक तो, तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चाहे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपसे पे कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोज तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हाँ आप थोड़े सब सी सी में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ वन जीरो एट जीरो रिजलेन है कलर आठ जी बी और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं एड्स और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया और मैंने कुछ इमेज ले हुए इनका लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस इमेज को मैंने ए आई से जनरेट किया हुआ है एडोबी के फायर फ्लाए से इसका प्रॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कंट्रोल जे प्रेस करके इसका डुप्लीकेट निकाल कर लूँगा तो यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाएगा इसे इस तरह पकड़ूंगा इसे ड्रैग करके ला के यहाँ पर रख लूंगा कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह में इसे बड़ा कर लूँगा इसे बैकग्राउंड इस तरह में मैनेज करूँगा मैं और इंटर करूँगा अब इसी को फिर जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ पे इस तरह में सॉलिड कलर ले लूँगा यहाँ पे कोई भी रैंडम कलर ले लेता हूँ क्योंकि हमें इसे बाद में चेंज करना है और ओके okay करूँगा अब इसी को फिर से एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा एलिस्ट्रो को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल सॉरी होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पर इस तरह एक सर्कल ड्रा कर लूँगा यहाँ पर बुटो को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो उसके चारों को एक सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पर अलाइन का पैनल एक्टिवेट हो जाएगा इसे इस तरह मैं मेगा सेंटर में ले लूँगा मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा अब यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चाहते एक सिलेक्शन आना हो जाएगा इस लेयर को मैं थोड़े टाइम के लिए हाइड कर लेता हूँ अब इस वाइट बॉक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में ब्रश में जाके यहाँ से हार्ड हार्डवेयर को सेलेक्ट करूँगा इसे क्लोज कर मैं और यहाँ पर इस तरह से रिमूव करूँगा तो ये पीछे का इमेज इस तरह विजिबल हो जाएगा कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा मैं यहाँ पर मोटू को सेलेक्ट करूँगा अब मैं यहाँ पे इस लेयर को मैं विजिबल कर इस तरह मैं यहाँ पर इस आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पे इसका बॉर्डर बढ़ा लूँगा मैं इस तरह में और यहाँ पे मोटू को सिलेक्ट कर इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा मैं इसे पे राइट क्लिक करूँगा इसे स्मार्ट में इस तरह में कन्वर्ट कर लूँगा कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह में ऊपर की तरफ इसे मैनेज करूँगा सिर्फ पकड़ के इसे इस तरह में नीचे से मै इस तरह में इसे मैनेज करूँगा मैं थोड़ा फिर से लेफ्ट साइड में से छोटा रखूँगा मैं और यहाँ से राइट साइड से और इंटर करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस सर्कल पे सेलेक्ट करूँगा तो इसके चार को एक सिलेक्शन आना जाएगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ग्रेडिन आइफन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका तरह ग्रेडिन में ड्रा कर लूँगा मैं इस पॉइंटर को पकड़े इस तरह में थोड़ा मैनेज करूँगा मैं तो 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 इस तरह अब मैं आप एक इसका कलर कोड दिखा देता हूँ तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कलर बॉक्स का पैनल ओपन हो जाएगा इसका कोड यहाँ पर आ जाएगा और इस पाउंटर पर डबल क्लिक करूँगा जिसका कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा जिसका तो कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूंगा यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल होल्ड कर और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके तो सिलेक्शन ऑन हो जाएगा अब मैं इस आइकन को सेलेक्ट करूँगा ग्रेडियंट के और इसे इस भी इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा इस तरह में और यहाँ पर इस तरह से मैनेज करूँगा मैं स्पॉन्ड्रोलवर के इस तरह में मैनेज करूँगा मैं और यहाँ पर मोटू को सेलेक्ट कर तो ये डिज़ाइन डेला कुछ इस तरीके है दोस्तों अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे एक न्यूजर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा इलेक्ट्रो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सेट पकड़ कर इस तरह में सर्पल ड्रा कर लूँगा यहाँ पर जाकर इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पर इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं थोड़ा सा इस तरह मैं मैनेज करूँगा बॉर्डर इसका और यहाँ पर व्हाइट कलर रखूँगा यहाँ पर मोटू को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा इसे इस तरह मैं पकड़ूँगा और यहाँ पर इस तरह ला के इसे मैनेज करूँगा मैं एरो से मैं मैनेज करूँगा मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस तरह से चेक कर लूँगा कि प्रॉपर एडजस्ट है कि नहीं और इंटर करूँगा मैं यहाँ पे आइकन को सेलेक्ट करूँगा थोड़ा सा इसका मैं स्टोप कम कर लूँगा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे और इंटर करूँगा अब मैं यहाँ पर मास्किंग ऑन करूँगा इस वर्ड बॉक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में ब्रश में जाकर कर यहाँ से सॉर्ट बर्स को सिलेक्ट करूँगा इसे क्लोज कर लूँगा मैं कंट्रोल जीरो करूँगा मैं डिज़ाइन पर आऊँगा अब मैं ब्रश को बड़ा करूँगा ओपन पैकेट से और यहाँ पे इस तरह में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नॉर्मली ये होते जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर विजिबल दिखेगा और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा तो ये डिजाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों अब मैं पे डॉलर का सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे एक न्यू लेट लूँगा मैं और यहाँ से जाऊंगा मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा मैं अब मैं यहाँ पर मोटो को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसी पर राइट क्लिक करके डिस्ट्रॉ को सेलेक्ट करूंगा और इस बॉर्डर को पलट के इस तरह में क्रॉस कर लूँगा मैं और इसे इस तरह में थोड़ा नीचे की तरफ रखूँगा और मैनेज करूँगा इंटर करूँगा अब इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा फिर से मैं और यहाँ पे राइट टैं को सिलेक्ट करूँगा और इस कॉर्नर पे इस तरह रखूँगा और यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लूँगा मैं इस कॉर्नर तक और यहाँ पे मोटो को सिलेक्ट करूँगा इसे पे डबल क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा और यहाँ पर ओके करूँगा क्योंकि हमें बाद में इसे ग्रेविलियन देना है तो ये कलर यहाँ पर हाइड हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी कलर ले लूँगा मैं इसे सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट है कंट्रोल टी प्रेस करूँगा इसे इस तरह में सेट पकड़ के लेफ्ट साइड में ड्रा कर लूंगा मैं लेफ्ट टैंको को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर दूँगा तो उसके साथ सिलेक्शन आना जाएगा अब यहाँ पे आइकन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह में से ग्रेडिंग दे दूँगा मैं इस तरह मैनेज करूँगा मैं यहाँ पे नूटर को सेलेक्ट करूँगा इस ग्रेडियन को भी सिलेक्ट करूँगा लैफ टैंको को कंट्रोल होल्ड कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे भी ग्रेडिंग इसी इस तरह में विड्रॉ कर लूंगा मैं यहाँ पे नोट को सिलेक्ट करूँगा इस रैक्टर को सिलेक्ट करूंगा इसी को डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस कलर को मैं पिक कर लूँगा थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा मैं डार्क हो तो गया ज़्यादा और ओके करूँगा अब इसे को मैं फिर से एक न्यू ले लूँगा मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रश को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट करूँगा इसे क्लोज कर लूँगा मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूंगा मैं और यहाँ पर मैं अल्ट होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पर इस डाइट कलर को पिक कर लूँगा यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा ठीक कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह से पकड़ के से इसे बैंड कर लूँगा मैं और इसे इस तरह में पकड़ के यहाँ पे इस तरह कर करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैं ऑर्डर दे दूँगा मैं नॉर्मल और इंटर करूँगा थोड़ा एरेस्ट में मैनेज करूँगा मैं यहाँ पे मोटी को पहले सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं तो में कुछ इस तरीके है दोस्तों अब मैं जाऊँगा यहाँ पे जो कि मैंने एक इमेज रखा हुआ है इस इमेज को पहले हम पी करेंगे तो पी करने के लिए मैं जाऊँगा सेलेक्ट में और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा तो इसके चार पर एक सिलेक्शन होगा जाएगा ये थोड़ा समय लेगा इसे सेलेक्ट करने के लिए तो इसे सेलेक्ट कर लिया अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमू हो जाएगा इसे भी राइट क्लिक करूँगा इसे, इसे स्मार्ट वाच में कन्वर्ट करूँगा इसे इस तरह पकड़ूँगा और ड्रैक करके ला के यहाँ पे इस तरह में रख लूँगा इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं अब इसी का डुप्लीकेट कंट्रोल जे प्रेस करूँगा नीचे लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पर इस पॉइंटर को पकड़ के यहाँ पर लाकर रख लूँगा अगर ये पॉइंटर आप सबको यहाँ पे ना दिखेगा तो यहाँ पे अनचे करेगा तो इसे चेक कर लीजिएगा इसी पर राइट क्लिक करूँगा इसे फ्लिप ओडिक कर लूँगा और इंटर करूँगा यहाँ पे एयर से मैं इस तरह में इसे ऊपर ले लूँगा मैं अब मैं मास्किंग ऑन करूँगा इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्रश में ब्रश में जाकर यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा इसे क्लोज़ कर लूँगा मैं और इस तरह से रिमूव कर लूँगा मैं इस तरह रिमूव हो जाएगा ये और यहाँ पे इसका थोड़ा सा फिल कर, कर लूँगा मैं इस तरह और इंटर करूँगा अब इसी के नीचे कि न्यूलियर लूँगा मैं फिर से और यहाँ से कलर बॉक्स में जाकर यहाँ पर डाप कलर पिक करूँगा इसी से रिलेटेड थोड़ा नीचे की तरफ खाऊँगा मैं और ओके करूँगा अब यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट ब्रश सेलेक्टेड यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा कन्नपुर पेस्ट करूँगा सिर्फ पकड़ के इस तरह में बैंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह में प्रोडक्ट के पीछे इस तरह में नॉर्मल एक शेड दिखाऊंगा मैं और इंटर करूँगा अब मैं इसे के नीचे फ्री से क्लू ले लूँगा और यहाँ पर टू को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह में टू ड्रा कर लूँगा मैं इसे इस तरह में हैंड टू से ड्राइव करके ऊपर की तरफ ले लूँगा और यहाँ पर ला इस तरह में से मोर्च कर लूँगा मैं मोटर को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अब मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके स्मार्ट वॉट में कन्वर्ट कर लूँगा अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ पे जाऊँगा ब्लर गैलरी में और यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया अब मैं इसे इस तरह पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करूँगा मैं ब्लर कर लूँगा मैं इस तरह और इसे यहाँ से इस तरह मैं यहाँ पे एरो लेके जाऊंगा तो यहाँ पे रोटेशन का एक आइकन दिखेगा तो इसे थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँगा मैं इस तरह में और यहाँ पे इस तरह पकड़ के इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ ले लूँगा और इंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पर इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ थोड़ा सा तो कुछ इस तरह एक शेडो देखेगा इस तरह और इंटर करूँगा अब मैं यहाँ पे के ऊपर एक न्यूले लूँगा और यहाँ से पेंटू को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह हैंड टूल से ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इस तरह में टू ड्रा करके यहाँ पे इस तरह में ड्रा कर लूँगा इसे ड्रा करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा मैं ग्रेड के तो इसके पीछे चला जाएगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से लूँगा ब्लर में जाकर ग्रोशिंग ब्लो को सेलेक्ट करूँगा इसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करके इसे इस तरह में ब्लर कर लूँगा थोड़ा और ओके करूँगा थोड़ा सा यहाँ पर इसका फिल कर लूँगा कम और इंटर करूँगा कंट्रोल सीटर में डिज़ाइन करूँगा अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा इससे पे राइट क्लिक करके मैं पहले रजिस्टर राइज कर नहीं इस तो इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डोज डोर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह में इसे फ्लाइट कर लूँगा थोड़ा फिर से जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर जाके बॉन थूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर नॉर्मल थोड़ा सा ब्लैकनेस कर लूँगा मैं इस तरह तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा टॉप डर को कर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ शिफ्ट कंपन स्विफ्ट पेस्ट करूँगा तो इस साइड डिज़ाइन कंबाइन हो जाएंगे अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में तो ये मैं पैनल ओपन हो गया अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इफेक्ट में और यहाँ पे इसका स्टेक्चर थोड़ा बढ़ाऊंगा थोड़ी सी क्लेरिटी बढ़ाऊंगा और यहाँ पे वेटनेट को थोड़ा माइनस करूँगा मैं और यहाँ पर गेन को रखूँगा हाई तक यहाँ पे टीम तक रख लेता हूँ मैं और ओके करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा एडजस्टमेंट या जाके यहाँ से ब्राइटनेस में जाऊँगा और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लूँगा मैं और ओके करूँगा मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ पर थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊंगा मैं ज़्यादा नहीं और यहाँ पर थोड़ा सा गामा बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा और फाली दूसरा डिजाइन हमें रेडी हुआ प्रोडक्ट के लिए तो दूसरा डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ प्लीज कमेंट कर बताइएगा अगर मेरे चैनल में इन्या तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए